हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू ऑल डूइंग ग्रेट। तो आज का दिन स्टार्ट हो रहा है कपड़े सुखाने से। कपड़े सुखाऊंगी, उसके बाद मैं पानी पीऊंगी। एंड आज जिम भी जाना है, आज मेरा ऑफिस भी है, बहुत काम है। अभी तो मेरे को सब्जी भी बनानी है। मैंने लास्ट व्लॉग में आपको बताया था कि मैं आपको लेस देन 10 मिनट्स में चाय पनीर बना के दिखाऊँगी, तो पिछले ब्लॉग में नहीं हो पाया। आई एम रियली रियली सॉरी फॉर दैट। बट आज मैं बनाऊंगी, तो मैं आपको रेसिपी दिखाऊंगी। बहुत इजी है यार, बहुत इजी है। मतलब आप बोलो कि ए इतनी इजी, आप ऐसे ही बोलने वाले हो, मैं बता रही हूँ। तो और थोड़ा सा घर भी फैला हुआ है, मैं दिखाना नहीं चाहती। वो मैं शाम को या हाँ शाम को ही बिफोर लॉगिंग इन मैं सारा साफ़ भी करूँगी, ताकि थोड़ा तरीके वाला घर तो लगे। बट अभी चलो पहले मैं कपड़ों का काम करती हूँ एंड देन मैं पानी पीऊँगी। तो मैं आपसे तब मिलती हूँ। जा रही हूँ नहाने। अभी मैं सब्ज़ी तो नहीं बना रही हूँ, वो मैं जिम से आने के बाद बनाऊँ, क्योंकि हार्डली बिल्कुल टाइम नहीं लगना है। और देखते हैं फिर कैसे कब जाना, क्योंकि यार बाहर एक तो इतनी गंदी घटिया, मतलब भाई याद गर्मी हो रही है, पता नहीं कब सुकून मिलेगा इस गर्मी से। खैर मैं अब जा रही हूँ नहाने। नहाने के बाद मैं करूँगी अपना एज़ यूजल स्किन केयर एंड पूजा, और उसके बाद मैं थोड़ा करूँगी रेस्ट अबाउट हाफ एन आवर, क्योंकि इस टाइम पे मेड आती है तो मुझे ना उठना होता है, वो सफाई करके चली गई है। एंड फिर थोड़ी देर रेस्ट करके मैं चिराग को उठाऊँगी, बिकॉज ही स्लीप्स वेरी लेट ड्यू टू हिज वर्क। ऑफिस का बहुत प्रेशर होता है, काम होता है, तो फिर वो मतलब सुबह ही सोते हैं। हम दोनों की नाइट शिफ्ट तो ज़रूर है, बट वी बोथ स्लीप एट अराउंड 5 or 6 AM। आई नो बहुत बेकार है, बट क्या कर सकते हैं। खैर मैं आपसे मिलूँगी जब हम जिम जाने के लिए रेडी होंगे, थोड़ी देर में मिलती हूँ। और हाँ, मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गई, मेरे को नहीं, मैं लेकर आई थी एक लेगिंग्स लेकर आई हूँ मैं गो कलर से, और एक मैं अपर टॉप लेकर आई हूँ जॉकी से। तो उसको मैं पेयर अप करके देखूँगी कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है, मैं आपको भी दिखाऊँगी कैसा लग रहा है, मुझे बताना। तो वो मैं अराउंड शाम को ही ट्राई करूँगी, अभी तो नहीं, बस मुझे बताना था, मैं भूल गई बताना। और ना मुझे ऐसा लग रहा है मतलब दिमाग में कि वो अच्छा लगने वाला है, क्यों लगने वाला है वो मैं आपको तब बताऊँगी। सो आई एम जिम रेडी एंड दिस इज़ द थर्ड लेगिंग्स जो मैंने ब्लिस क्लब से ली थी, बहुत अच्छा कलर लग रहा है। सो लेट्स गो टू द जिम। सो वी आर बैक होम। भाई बहुत थक गए हैं। एंड अभी सबसे पहले तो मैं बाहर से कपड़े उतार रही हूँ, क्योंकि सूख चुके हैं, धूप भी जा चुकी है, थोड़ा मौसम भी प्रेजेंट हो रहा है। मैं ऊपर चढ़ के आई हूँ इसलिए ऐसे, बट
कपड़े उतारने के बाद मैं बनाऊंगी फटाफट से सब्ज़ी, क्योंकि बहुत लेट हो गया मुझे, लग रही है भूख। चिरा के लिए सब्ज़ी बनाऊंगी, रोटी मैं नीचे से बना लाई हूँ, एंड उसके बाद मैं आपको अपनी प्लेटिंग दिखाऊंगी, पर उससे पहले मैं आपको रेसिपी दिखा देती हूँ। तो चलो, सो ये जो मसाला मैंने बनाया था ये बच गया था, और अब इसको करेंगे सबसे पहले ग्राइंड। ये बहुत ही अच्छा सा थिक पेस्ट बन गया है, इसमें थोड़ा सा पानी डाल के दोबारा ग्राइंड करेंगे। एंड लुक एट द टेक्सचर गाइस, देख रहे हो आप, इतना मस्त पेस्ट बन गया। बस इसको तड़का लगाना है, पनीर डालना है, और इसके लिए हम यूजिंग गोल्डी शाही पनीर मसाला, ये मैं लेकर आई थी। सो आई विल बी ट्राइंग दिस टुडे, तो चलिए फटाफट से बनाते हैं। आई विल बी मेकिंग इट इन द सेम पैन। इसमें डाल दिया है थोड़ा सा तेल, अब डालेंगे थोड़ा सा जीरा, क्योंकि ऑलरेडी मसाले में है जो हमने पेस्ट बनाया है, थोड़ी सी हींग, और अब डालेंगे हमारा पेस्ट। ओए हे हे हे, निकल जा, देख लो इसमें थोड़ा और पानी डाल के मैं डालूंगी। Let me have my salad, khira. So I'm having my first salad, khira. और खाने के साथ मैं लूँगी एक टमाटर, तो पहले खा लेते तब तक सब्जी बन जाएगी। So refreshing. गैस मैं कर दूँगी बंद, क्योंकि भाई छींटे पड़ रहे हैं, मेरे को लगता है कि ऑलरेडी बहुत गर्मी है अच्छी खासी, तो इसको बंद होने का वेट कर रही हूँ मैं। ओहो भाई, खुशबू बड़ी आ रही है। पनीर्स क्यूब्स, इसमें जाएगा गोल्डी मसाले, गिव इट अ नाइस मिक्स। वाह वाह वाह, क्या बात है। और इसको रखेंगे और 2-3 मिनट के लिए सिमर पे, ताकि पनीर भी थोड़ा सा सही पक जाए, और जो मसाला डाला है ना वो भी थोड़ा सा इसके अंदर समा जाए। सो इस पे मैं दोबारा से लेड लगा दूँगी, इसको मीडियम नहीं लो फ्लेम पे पकाएंगे। एंड नाउ दिस इज डन, सो आई एम गोइंग टू पोर दिस फॉर माई सेल्फ एज वेल, मैं भी आज यही खाने वाली हूँ। सो आई एम गोइंग टू हैव दिस 1 कटोरी ऑफ सब्जी, 1 रोटी एंड खीरा मैं सैलेड में खा ही चुकी हूँ, एंड 1 मोर सैलेड विच इज़ 1 whole tomato. So let's enjoy this lunch, और मैं मिलती हूँ फिर आपसे थोड़ी देर में। I'm done with my first meal, और भाई बहुत टेस्टी था, मज़ा आ गया खा के। मैं काफ़ी अब टाइम के बाद मैंने आज रोटी खाई है, आज तो मैंने चलो खाया, कल आई वॉज ऑन लिक्विड डाइट, उसके एक दिन पहले मैं वाटर फास्ट पे थी, तो आज तो एकदम अमृत लग रहा था खाना, बहुत मज़ा आया। चिराग तो अभी नीचे ही हैं, तो उन्होंने अभी कुछ खाया नहीं है, फर्स्ट मील उनका नहीं हुआ है, सो जब वो आएंगे तब मैं उनको दे दूंगी खाना। अभी के लिए मैं तो रेस्ट कर रही हूँ, क्योंकि जिम के बाद आए और भूख बर्दाश्त ही नहीं होती, इसलिए मैंने कहा चल फटाफट पहले खा ले, फिर मैं अभी चेंज करूँगी। एंड ऑल्सो मैंने एक आज से हैबिट बनाई है कि मैं एक या दो, मतलब फ्यू स्ट्रैंड्स ऑफ जिंजर लूँगी, देन फॉलोड बाय अ वाटर। सो जिंजर रियली बूस्ट्स योर मेटाबॉलिज्म, एंड मैं नहीं चाहती यार जितना लूज़ हो गया अब दोबारा से मैं वो बाउंस बैक हो जाए, काफ़ी मेहनत लगी है। और जब आपकी बॉडी ऐसी होती है ना जो खाते ही मतलब रिएक्ट करने लग जाती है, बढ़ने लग जाता है,
ट्रस्ट मी गाइज, उसको मेंटेन करना और कम करके मेंटेन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अगर कोई ऐसा है जो देख रहा है प्लीज़ कमेंट करके बताना। एंड ऑल्सो मैंने आपको बताया था मैं शाम को आपको दिखाऊंगी जो मैं लेकर आई हूँ जॉकी और गो कलर से। मेरे को इतनी खुशी हो रही थी ना जब मैं गो कलर्स में घुसी आई, मतलब मेरे को मीडियम साइज आ गया, मैं ऐसे खुश हो गई थी कि मतलब अचीवमेंट है ये सीरियसली। तो अभी मैं पहले चेंज करूँगी एंड देन आई विल हैव दैट फ्यू स्ट्रैंड्स ऑफ जिंजर विद वाटर। फिर मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर में। सो गाइज, अब मैं सो रही हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा नींद हो रही, टायर्डनेस हो रही है, मेरी मसल में भी थोड़ा थोड़ा पेन हो रहा है। तो मैं शाम को उठ के प्रोटीन लूँगी क्योंकि अभी भूख इतनी लग रही थी मैं नहीं बर्दाश्त कर पा रही थी। सो आई विल टेक प्रोटीन इन द इवनिंग। सो अभी थोड़ी देर शाम को मिलूँगी। हे गाइज, मैं उठ गई हूँ, फीलिंग वेरी मच फ्रेश नाउ। अब सबसे पहले तो मैं सब्ज़ी रखूँगी फ्रिज में, मुझे पता है चिराग भूल गए होंगे, थोड़ी सी बची है तो इनका शाम का काम हो जाएगा। आई ऑलरेडी हैड समथिंग वेरी हैवी टुडे, तो मैं अब काफ़ी लाइट मील्स लेने वाली हूँ। एंड यू नो व्हेन यू टेक जिंजर तो आपका पेट काफ़ी फुल रहता है, मेरा पेट सीरियसली फुल है अभी एंड विच इज़ अमेजिंग। तो अभी मैं लेने वाली हूँ अपना प्रोटीन, क्योंकि मेरी आर्म्स की मसल्स में और भी थोड़ी जगह जो मसल्स हैं वहाँ पे मुझे पेन हो रही है। एंड वेन एवर आपकी बॉडी में वाइल यू आर वर्किंग आउट और एक्सरसाइजिंग हेविली, चाहे घर पे कर रहे हो, अगर आपको पेन होने लग गई है तो फिर आपको प्रोटीन ही चाहिए। फीड योर बॉडी विद प्रोटीन, क्योंकि वही मसल रिपेयर करती है एंड इट हेल्प्स टू सप्रेस दैट पेन। तो मैं प्रोटीन अभी बनाने जा रही हूँ, वो लूँगी, जब तक वो पूरा सबमर्ज हो जाएगा तब तक मैं शाम की पूजा भी कर लूँगी। एंड सबसे पहले तो मैं रखती हूँ सब्जी फ्रिज में, अभी थोड़ी नींद में हूँ मैं क्योंकि जस्ट उठी हूँ और लॉग इन भी हो गया है। तो चलिए काम शुरू करते हैं शाम के। प्रोटीन जब तक घुल रहा है तब तक मैं पूजा कर लेती हूँ। और ये हालत देख लो, इसको भी मुझे आज क्लीन करना है जैसे मैंने बताया था आप लोगों को। तो सबसे पहले पूजा कर लेते हैं, मेरे घर के पास ही मंदिर है तो आपको आवाज़ भी आ रही होगी बहुत अच्छे से, भजन भजन हो रहे हैं, किसी ने या तो कथा रखी होगी या कुछ ओकेजन होगा, बट इट फील्स वेरी गुड यू नो। मतलब उठते ही आप इतने अच्छे, और मैं पर्सनली राधा कृष्ण की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, आई लव देम बोथ। शिव जी तो आई थिंक सभी के फेवरेट है, बट अभी राधा कृष्ण का गाना चल रहा तो और ही मज़ा आ रहा है, इसमें पूजा करने का और मज़ा आएगा। चलिए, सो अभी भी मेरा प्रोटीन घुल रहा है, टाइम लगेगा 5-7 मिनट और। मैंने सोचा आपको इतने दिखा दूँ, ये मैं जॉकी से लाई थी ऊपर के लिए, ब्लू कलर में है, स्लाइट ब्लू, मेरे को तो ब्लू ही लग रहा है, हाँ ब्लू ही है। और ये मैं गो कलर से लाई थी नीचे का लेगिंग्स, ये मैं आपको पहन के दिखाती हूँ कैसा लग रहा है। दिस इज़ इट, मेरे को भाई बहुत मस्त लग रहा है, कंफर्टेबल भी, एंड आई कैन वियर दिस एज एन अटायर इटसेल्फ। जिम के लिए भी अच्छा है, कहीं कैजुअली जाना है तो भी अच्छा लग रहा है। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना आपको कैसा लग रहा है। अब मैं जाती हूँ प्रोटीन पीने। सो माई प्रोटीन इज़ डन, अभी मैं जा रही हूँ बाहर, जो आपको बुरा जमघट दिखाया था उसको साफ़ करने, क्योंकि फिर ऑफिस का काम करने भी बैठना है। और चिराग भी बाहर प्लांट्स का पूरा काम कर रहे हैं, ही लव प्लांटिंग एंड ऑल, तो ही इज़ टेकिंग केयर ऑफ़ दी प्लांट्स, वो भी थोड़ा दिखा दूँगी हो पाया तो। और अभी चलते हैं, पहले बाहर को समेटते हैं फिर मैं बैठूँगी अपना ऑफिस का काम करने। खराब होगी इसको क्लीन करते करते। ओह गॉड, लुक सो गुड ना। अब चलते हैं अंदर।
सब कपड़े वगैरह सब तय हो गए हैं, लग गए हैं, सॉरी अबाउट द स्वेट, बहुत ज़्यादा हो रहा है। बट अब मैं बैठ रही हूँ अपना ऑफिस का काम करने, फिर मैं मिलूँगी आपसे थोड़ी देर में जब अपना इस दिन का थर्ड मील लूँगी। सो नाउ आई एम लिटिल बिट हंग्री, अब मैं थर्ड मील लेने वाली हूँ अपना, 7:30 हो गए हैं। सो आई एम गोइंग टू टेक 2 to 3 पीसेज ऑफ आलमंड्स अलॉन्ग विद 1 whole walnut, तो वो मैं इंजॉय करती हूँ। आई विल रिज्यूम बैक टू वर्क, फिर जब डिनर टाइम होगा तब मैं आपसे मिलती हूँ। हाँ, उससे पहले कुछ हुआ तो फिर मैं आपसे शेयर करूँगी। सो गाइज, अब मैं डिनर करने जा रही हूँ, एक ग्लास मिल्क, कोल्ड मिल्क। आज मुझे ऐसा लग रहा है मुझे एक हीट स्ट्रोक लग चुका है, बिकॉज अब और ऊपर से ना अभी आपने देख ही लिया है मैं काफ़ी बाहर भी गर्मी में जैसे भी खड़ी हूँ, काफ़ी मैंने बाहर भी काम करा संगवाया ना, बस लिटरली मतलब मेरा स्वेट ना एकदम बह रहा था जैसे कोई खुला नल हो। सो आई थिंक वो दिक्कत कर गया है मेरी शक्ल से, आप देख ही सकते हो, आई एम रियली नॉट फीलिंग गुड अबाउट इट। और मेरे को गर्मी बहुत लग रही है, पानी तो मैं खूब पी रही हूँ, एंड मैं वो शूट करना भूल गई, बीच में मैंने 1 से 2 slices होल व्हीट ब्रेड भी खा लिया बिकॉज मेरे को एकदम से भूख लगने लग गई। खैर उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि मैं मतलब बहुत रेयर ये चीज़ करती हूँ, बिकॉज आई एम इन द जर्नी ऑफ माई वेट लॉस एंड फैट लॉस, तो ये मैं बहुत कम करती हूँ। बट अभी तो मेरे को बहुत अजीब सा डिजी फील हो रहा है, मेरे से ऑफिस का काम भी बहुत मुश्किल से हो रहा है, मैं नहीं कर पा रही हूँ। बट आई विल रिज्यूम टू वर्क, थोड़ा मन भी और दिमाग दोनों डाइवर्ट हो जाएगा। अभी के लिए मैं दूध पी लेती हूँ और फिर मैं आपसे थोड़ी देर में मिलूँगी। और चिराग का भी अभी कोई सीन नहीं है खाने का, बिकॉज मेरे को देख के उनका खाने का मन नहीं कर रहा है, बट आई विल मेक श्योर ही ईट्स हिज डिनर, एंड वही जो सुबह सब्जी बची थी वही मैं उनको दूंगी। एंड आई डोंट थिंक वो अब रोटी खाएंगे बिकॉज ही स्किप्स कार्ब्स अ लॉट इन हिज डाइट, जो आपका मेन कारण होता है वेट का, और जो यहाँ बेली एरिया में वेट और फैट जो जमा हो जाता है। सो यू ऑलरेडी हैव दैट मच फूड, तो कार्ब्स और खाने की ज़रूरत नहीं है, कम कर लो, ख़त्म मत करो। सो ओके, काफ़ी बोलिया, अब मैं अपना डिनर लेती हूँ, फिर थोड़ी देर में मिलूँगी। हे गाइस, तो काफ़ी लेट हो चुका है एंड हम लोग अपने ऑफिस का ही काम कर रहे हैं। सो आई जस्ट केम हियर टू से यू बाय फॉर दिस व्लॉग, और आज यार बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया। आई वॉज नॉट लाइक, मैं चाहती नहीं थी वो हूँ, बट आज हो गया है, वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊँगी, बट गलती तो हो गई है, अब हो गई है, सुधारेंगे, दैट इज़ नॉट एन इशू। बट इंसान है, मैं तो ये बोलूँगी इंसान हूँ मैं भी, गलतियाँ हो जाती हैं। एंड बस आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे, तब मैं बताऊँगी कि क्या हुआ था और उसको मैंने कंपनसेट कैसे करा। सो दैट इज़ टू डन, एंड आई विल सी यू गाइस इन माई नेक्स्ट व्लॉग, तब तक के लिए बाय।